हेलो फ्रेंड, मैं अवनाश और आप देख रहे हैं एसपीटेक प्रो। आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विंडोज़ 10 का जो ऑटोमेटिक अपडेट है वो किस तरह से परमानेंटली टर्न ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरनेट जो है मोबाइल का यूज़ करते हैं हॉटस्पॉट के थ्रू या फिर USB के थ्रू, तो कई सिचुएशन में ऐसा होता है हमारा डाटा लिमिटेड रहता है, और जब हम PC से कनेक्ट करते हैं या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो हमारा पूरा डाटा वहाँ पर कंज्यूम हो जाता है, वहाँ पर पूरा यूज़ हो जाता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए एक ट्रिक है जो कि काम आती है। इस ट्रिक से आप आपका विंडोज 10 का जो ऑटोमेटिक अपडेट है वो परमानेंटली टर्न ऑफ कर सकते हैं। जब तक आप इसे ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका जो अपडेट है वो नहीं होगा। तो चलिए बाकी प्रोसेस मैं आपको PC स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सब्सक्राइब करें एसपीटेक प्रो चैनल को और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। विंडोज 10 का अपडेट परमानेंटली बंद करने के लिए आपको 2 सेटिंग करना पड़ेगा, जिसमें से पहला सेटिंग है आपको सर्विसेस में जाना होगा। सर्विसेस में जाने के लिए आप यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं सर्विसेस, और यहाँ से आप राइट क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप दिस PC पर राइट क्लिक करके मैनेज ओपन कर लीजिए। मैनेज में आप लास्ट जो ऑप्शन मिला है सर्विसेस एंड एप्लीकेशन, इसे ओपन कर लीजिए। उसमें आपको सर्विसेस मिल जाएगा। तो सर्विसेस को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर विंडोज अपडेट सर्च करना होगा। इसके लिए मैं W प्रेस करता हूँ तो W से जो भी सर्विसेज जुड़े वो यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें से हमें विंडोज अपडेट ढूंढना है, यहाँ पर विंडोज अपडेट है, इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है। ये सर्विस जो है यहाँ स्टॉप बटन पर क्लिक करके इसे स्टॉप करना है। उसके बाद हमें ड्रॉप डाउन मेनू से इसे डिसेबल्ड करना है, यहाँ पर डिसेबल करके इसे स्टॉप करना है, और यहाँ पर अप्लाई ओके कर देना है। दूसरा सेटिंग करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करने के बाद इस तरह का मेनू आ जाएगा, तो आपको इसमें से विंडोज पावर सेल जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें एक कमांड टाइप करनी होगी, जो कि कमांड आप नीचे भी देख सकते हैं, और मैं इसे जूम करके भी दिखा देता हूँ, sc.exe। उसके बाद एक स्पेस देके हमें कॉन्फिग टाइप करना होगा, config। इसके बाद हमें दोबारा एक स्पेस देना है, और उसके बाद हमें टाइप करना है wuausercv। टाइप करने के बाद हमें फिर से एक स्पेस देना है, और उसके बाद हमें टाइप करना है स्टार्ट, start। स्टार्ट के बाद हमें =2 का साइन लगाना है। उसके बाद हमें टाइप करना है डिसेबल। टाइप होने के बाद हमें एंटर की प्रेस करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज सर्विस कॉन्फ़िगरेशन सक्सेस। तो मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। तो हम अभी विंडोज़ अपडेट में चेक करेंगे, यहाँ पर एरर आया है, योर डिवाइस इज मिसिंग इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट। तो मैं से चेक फॉर अपडेट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट फेल्ड का मैसेज आया, और जितने भी मेरे अपडेट आए थे सबको एरर आया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप एरर एरर एरर। अभी जब तक मैं इसे ऑन नहीं करता तब तक मेरा जो अपडेट है वो कभी भी इंस्टॉल नहीं होगा, कभी भी मुझे अपडेट नहीं मिलेगा। इसी तरह आप भी आपका जो अपडेट है वो बंद कर सकते हैं परमानेंटली। इस तरीके से आपका जो अपडेट है वो परमानेंटली बंद हो जाएगा, कभी भी आपका वापस दोबारा चालू नहीं होगा। अगर आप विंडोज़ का अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिर से आपको स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके विंडोज़ पावर सेल पे जाना होगा। इसके बाद जो कमांड है वो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, एक कमांड आपको टाइप करनी होगी, और इस तरह से कमांड टाइप करके आपको जो है आपका विंडोज़ का अपडेट दोबारा आप शुरू कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह आप विंडोज 10 का जो ऑटोमेटिक अपडेट है वो परमानेंटली बंद कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।